नेपाल में दो बच्चों के माता पिता बनने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राजधानी काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर धाड़ी जिले में 14 साल की एक लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि बच्चे के पिता की उम्र 1 साल छोटी यानी 13 साल की है। इस दंपत्ति के नवे जन्म बच्चे के जन्म पंजीकरण को लेकर अधिकारी पेशोपेश पड़ गए हैं। नेपाल के कानून में इस तरह के मामले को पंजीकरण का कोई प्राविधान नहीं है। नेपाल में लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 20 साल है। द हिमालय टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का 13 वर्ष पिता रमेश तंगांग कक्षा 5वीं में पढ़ता था। उसे चौथी कक्षा में पढ़ने वाली पमृता तंगा से प्यार हो गया था। दोनों ने बाद में पढ़ाई छोड़ दी और पमृता ने 2 महीने पहले एक शिशु को जन्म दे दिया। PM News 24 की रिपोर्ट।